अफगानिस्तान में अमन अमल के हवाले से एक और अहम पेशरफ्त। तालिबान ने 300 साथियों की रिहाई के बाद अफगान हुकूमत के 20 अहलकारों को रिहा कर दिया। कतर में तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने ट्विटर पर अपने बयान में कहा था कि तालिबान की जानिब से आज अफगान इंतजामिया के 20 कैदी रिहा किए जाएंगे और उन्हें कंधार में रेड क्रॉस नुमाइंदों के हवाले किया जाएगा। बाद असा अफगानिस्तान में तालिबान के तर्जमान जबीउल्ला मुजाहिद ने अपनी ट्वीट में बताया कि काबुल इंतजामिया के अहलकारों को कंधार में रिहा कर दिया गया है। तालिबान तर्जमान की जानिब से अफगान अहलकारों की तस्वीर भी पोस्ट की गई हैं, जिनमें उन्हें तालिबान की जानिब से रिहाई के वक्त पैसे भी दिए जा रहे हैं। उधर अमरीकी नुमाइंदा खसूसी जलमे खलील साद ने तालिबान की जानिब से अफगान अहलकारों की रिहाई का खैर मकदम किया। उनका कहना था कि कैदियों की रिहाई और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में कमी अमन की जानिब अहम कदम है। उन्होंने फरीकैन पर जोर दिया कि अमन मुआहदे में तय पाने वाले अहदाफ को जल्द अज जल्द पूरा करने की कोशिश की जाएगी।